आप सभी का टीम 360 के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं हमसे जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आप ये जानते हैं कि हम लोग अलग अलग स्टेट में जाते हैं और हमारे जो प्रोजेक्ट है DMIT मिडवेन उसको एक्सपेंड करते हैं, अलग अलग स्कूल में जाके हेल्प करते हैं हमारी फ्रेंचाइजी को। इसी संबंध में आज हम लोग पंजाब स्टेट में आए हुए हैं और यहाँ पे गुरु तेग बहादुर हाई स्कूल में हम लोगों ने आज प्रोग्राम किया है जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। और यहाँ पे मेरे साथ कुछ टीचर्स मौजूद हैं जो कि स्कूल टीचर्स हैं यहाँ पे, और इनसे जानते हैं इनको कैसा लगा ये प्रोग्राम और ये क्या व्यूज रखते हैं इसके बारे में, तो एक एक करके हम लोग बुलाएंगे। सबसे पहले बूटा सिंह जी जो है हमारे साथ मौजूद है, इनको बुलाते हैं, इनसे जानते हैं इनका कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस। प्लीज सर आए हमारे दर्शकों को बताएं आपको कैसा लगा। सर चाहे तो आप अपना लोकल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, चाहे तो हिंदी बोल सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल। हाँ जी, अपने स्कूल गुरु तेग बहादुर पब्लिक हाई स्कूल कौके कलां विखे जयपुर तो टीम आई है। इन्होंने अपना जो हार्डवर्क आ जो अपना एक्सपीरियंस आ तजर्बा वा वह बच्चों सामने पेश किया, सानू बहुत वधिया लग्या कि शायद इहदे नाल कल नूं बच्चों का भविख है जिहड़ा वह मे बी बैटर होगा कि जो प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ और भी टीचर्स मौजूद थे तो एक 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 करके सभी से हम बुलाते जाएंगे, आप आते जाए सर, प्लीज बताएं आपको कैसा लगा ये। नमस्ते, मेरा नाम राधेश्याम है और मैं गुरु तेग बहादुर पब्लिक हाई स्कूल कौंकला में हिंदी का अध्यापक हूँ। मुझे आज ये प्रोग्राम देखकर बहुत ही खुशी हुई, जिसमें लगता है कि बच्चों को पढ़ाई में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन ये प्रोग्राम से ऐसा लग रहा है अगर बच्चे ये क्लास ज्वाइन करेंगे तो उनमें कुछ डिवेल्प होगा और वो अपनी जो दिक्कतें हैं वो प्रॉब्लम है समस्याएं उनका समाधान पा सकते हैं। सो मुझे तो लगता है कि इसमें सभी बच्चों को हिस्सा लेना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी चीज बताई और डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एडमिशन लेने की। तो अभी हम लोग बुलाते हैं नेक्स्ट टीचर जो है हमारी मैम, प्लीज आए मैम, प्लीज आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जयपुर टीम आई है उन्होंने धन्यवाद करते हैं। मैं गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल टीचर के तौर पर हाँ, असं इन्होंने बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करते हैं इन्होंने, जिन्हों तो साडे बच्चों को बहुत बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, बच्चों का इन्होंने अगे भविष्य भी बहुत चंगी चंगी गल् सीखने मिली हैं जो कि उन्होंने काम आ रही हैं। थैंक यू सो मच मैम। और इसी के साथ जो है हमारी नेक्स्ट टीचर को हम लोग इन्वाइट करेंगे, मैम प्लीज आप आए। और मैनू अज इन्हों का शो बहुत वधिया लग्या, आई मैनू लगता भी शायद बच्चे भी एदे तो कुछ वधिया सीखणगे, उन्हां दी मेंटैलिटी डिवेलपमेंट होएगी ते हो सकदा अपने फ्यूचर दे विच कुछ वधिया सीखण वधिया करन, उन्हां दा एक उन्हां नूं एम मिल जूगा कि किसे नूं ही पता नहीं हुंदा कि असीं अपनी लाइफ दे विच करना की आ। तां मैनू लगदा है शो तो बाद बच्चियां नूं थोड़ा जिहा कुछ पता लग जूगा कि अपनी लाइफ दे विच उह करना की चाहुंदे, की बनना की चाहुंदे, उन्हां दा एम की है। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। प्लीज मैम जो है नेक्स्ट टीचर को बुलाते हैं, उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। प्लीज मैम आए होगा। हेलो, मेरा नाम जसविंदर कौर है, मैं गुरु तेग बहादुर पब्लिक हाई स्कूल जो टीम आई है जयपुर तो उन्होंने इतने आने पर बहुत ज्यादा वेलकम करनी हूं। सानू उन्हों का प्रोग्राम देख के बहुत वधिया लग्या, बच्चों भी मैनू लगता कि बहुत ज्यादा नॉलेज मिली होगी। मैं आस करती हाँ कि इन्हों का प्रोग्राम इदा ही सक्सैस हो, बच्चों गाइड करते रहन, मैं चाहनी हाँ कि साडे स्कूल दे विच फिर तो आके बच्चों होर भी नॉलेज देन। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। और बिल्कुल अभी इसी के साथ चलते हैं अगले जो टीचर है उनसे जानते हैं उनको कैसा लगा ये। मैम प्लीज आए और बताएं हमारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच मैम, मैम प्लीज आए और बताएं हमारे दर्शकों को आपको कैसा लगा। बच्चे इन्होंने क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो अपने स्टडी नाल रिलेटेड अपने कैरियर नाल रिलेटेड जो कोई प्रॉब्लम्स होंगी वो दूर कर सकते हैं। सारी टीम का स्कूल पहुंचे बहुत ज्यादा मदद करती है। थैंक यू।
यू सो मच मैम। और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतने ओपिनियन हमारे सामने पेश किए अपने बच्चों को लेके स्कूल के लिए। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ बहुत जल्दी एक सक्सेसफुल क्लासेस वर्कशॉप यहाँ चालू कर देंगे। और इन्होंने जो एक्सपीरियंस आज अपना शेयर किया उन सभी के लिए मैं वापस एक बार आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही वो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, आप लोगों की गाइडेंस से ही वो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी दोस्तों इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय जांगड़े एक बार फिर से वापस से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का टीम 360 के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि भी आपने देखा हम लोगों ने टीचर्स से आज यहाँ पे रिव्यूज लिए उनको कैसा लगा प्रोग्राम। और इसी के साथ में गुरु तेग बहादुर हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब है मिस्टर सुनील जी, उनसे भी आज हम लोग मुखातिब हुए हैं, उनसे जानते हैं उनको ये कैसा लगा और वो अपने स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से इस प्रोग्राम को और आगे ऑर्गेनाइज करवाने वाले। तो चले सुनील जी से बात करते हैं। नमस्कार सुनील जी, आप लोग जो है आपको बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें एक मौका दिया आपके स्कूल में यहाँ पे जो है ये प्रेजेंटेशन पेश करने का। और हम लोग जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कैसा रहा आज का प्रोग्राम, प्लीज आप बताएं अपने शब्दों। मैं सुनील कुमार, स्कूल हेड गुरु तेग बहादुर पब्लिक हाई स्कूल कौंकी कलां। सो मेरे को कुछ दिन पहला 10-15 दिन पहला टीम 360 जिन्हों का कि हूँ मोके हेड ऑफिस बन चुका। सो मेन ब्रांच है जी उन्होंने वो जयपुर चल रही है। सो अज विनय जी साढ़े को जयपुर को चल के आए हैं। मैं बहुत ज्यादा इन्हों का दिलों धन्यवाद करता जेडे कि अपने कीमती समय चो साढ़े पेंडू खेत्र का सुधार करने इतने पहुंचे आ। सो मैं अपने स्कूल के बच्चे आ जेडे उन्होंने पेरेंट्स जेडे कि साढ़े एक मैसेज के उपर बहुत वड्डी गिनती दे विच चल के आए उन्हों का भी बहुत धन्यवाद करता। सो टीम 360 वैसे तो यह सानू चलो नहीं पता सी इन्हां बारे पहला, पर जिवें जिवें हुण इन्हां बारे पता लग रहा बड़ी खुशी महसूस हो रही है भी ये एक बहुत ही चंगा उपरादा कर रहे हैं। सो साडे बच्चों नू हरेक बच्चे नू ही चाहे कोई भी पेरेंट्स आ उहदे बच्चे नू ही प्रॉब्लम आउंदी आ, उहनू अपने कैरियर बारे नहीं पता हुंदा जां स्टडी दे नाल रिलेटड बहुत सारियां उहनां नू प्रॉब्लम्स आउंदियां। सो उहनां प्रॉब्लम्स नू कोई मैजिक नहीं आ इह, सो उन्हों प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए अब साढ़े स्कूल के पहुंचे आ। इन्होंने अपने बड़े वधिया विचार सो साढ़े बच्चों को दिखाए, सानू दिखाए, पेरेंट्स को दिखाए। तो असं उम्मीद करते हैं भी जे पेरेंट्स इन्होंने जुड़नगे अपने बच्चों इन्होंने अटैच कर लगे इन्होंने ग्रुप के अपने बच्चों भेजेंगे तो उसके बच्चों बड़े फायदे हो सकते हैं। बड़ा फायदा यह हो सकता है सब तो पहली प्रॉब्लम आती है भी असं कैरियर साडा किधर जाना। जे सानू स्टार्टिंग ची बच्चा मान लो फर्स्ट सैकंड के पता चल जूगा भी मेरा कैरियर है जेड़ा इस खेत्र मैं ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकता तो ओबवियसली उस फील्ड के ज्यादा वधिया करने की कोशिश करूंगा। तो यही अज टीम 360 ने किया जब बच्चों होर भी स्टडी के रिलेटड प्रॉब्लम्स आदियां इन्होंने सानू डेमो भी दिता है इतने। सो लाइव करके दिखाया भी आवा तुसीं कर सकते हैं प्रैक्टिस के नाल। सो मैं उम्मीद करता हाँ भी आने वाले समय के साडे पेरेंट्स जो वड्डी गिनती दे विच इन्हां दे जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं उहदा फायदा उठाउणगे ते असीं भी इन्हां दा पूरा सहयोग करांगे अपने स्कूल वल्लों जो भी इह सानूं कहणगे असीं उहदे अकॉर्डिंग अपने वल्लों पूरी कोशिश करांगे। थैंक यू टीम 360 दा, विनय सर दा जो कि जयपुर तों अपना कीमती समां छड्ड के इत्थे साडे पंजाब दे विच पहुंचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने जो अपने रिव्यूज पेश किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताया है इन्होंने हमारी सपोर्ट की और डेफिनेटली हम लोग इनके साथ मिलकर बहुत अच्छा यहाँ पे जो है बच्चों को एक अलग लेवल पे लेके जाने का कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे, जो कि हमारा अभी तक का बहुत सक्सेसफुल रहा, आगे भी ऐसे ही सक्सेसफुल रहेगा।